मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी विरोधी नीतियों के बारे में पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसीलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का हक व अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।